हेलो। 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 हाँ हाँ जी, नमस्कार प्रहलाद जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। प्रहलाद जी, क्या कहना है रुझान को लेकर? सिरसा में कुमारी शैलजा की जो लीड है वो 1,70,000 के पार हो चुकी है फिलहाल, इस समय आपका क्या कहना है? ये देखिए, जो देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, उसका सिरसा के अंदर बहुत बड़ा जो किसानों का रोल था उस आंदोलन के अंदर, बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है उस आंदोलन में भागीदारी रही थी, उसी जी का ये नतीजा रहा है कि बीजेपी को इस तरीके से मुंह की खानी पड़ रही है। जो पिछली बार 3 लाख से ज्यादा जो बीजेपी यहाँ से जीती थी, अब की बार वो 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार रही है यहाँ पे। तो ये किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर रहा इस क्षेत्र में। बीजेपी सरकार का नारा था 400 पार का, उसको आप अब कैसे देखते हैं? अभी जो एनडीए की है फिलहाल, अभी तक 299 सीटें हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो बीजेपी का जो मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़ रहे थे, वो मोदी को इतना बड़ा उन्होंने बना रखा था, पॉपुलर कर रखा था, तो लोगों ने देश के अंदर मोदी को नकार दिया है। और आपने देखा है यूपी के अंदर भी जो उनके डबल इंजन की सरकार है, योगी है, मोदी की जो जोड़ी है वो चली नहीं है, वहां पे भी लोगों ने इनको बुरी तरह से बीजेपी को हार देखनी पड़ी है। हर जगह पे बीजेपी, पश्चिम बंगाल के अंदर देखोगे बीजेपी को हार देखनी पड़ी है, हरियाणा के अंदर बीजेपी हार रही है, राजस्थान के अंदर बीजेपी हार रही है, सब जगह पे जहाँ पे बीजेपी मजबूत थी, बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां सब जगह पे बीजेपी को लोगों ने नकार दिया है। और जी ये जी देश भर के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसी का ये फैक्टर है कि इन्होंने किसानों की अनदेखी की थी और उसी के चलते अब देश के अंदर किसानों ने इनकी अनदेखी कर दी है। आखिर किसानों ने सहयोग किसका किया? बड़ा सवाल है। किसानों ने तो बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार है उनका सहयोग किया है, हर जगह के ऊपर यही किसानों का था कि बीजेपी को हराया जाए, जो बीजेपी को हराने वाले उम्मीदवार है उनको किसानों ने सहयोग किया। डॉक्टर अशोक तंवर जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनका बीच मतगणना चलते हुए बूथ को छोड़कर जाना, उसको आप किस एंगल से देखते हैं? वो तो उनको दिख ही गया था कि इतने जब मार्जिन से आगे चल रहे हैं, कहीं पर किसी बूथ के ऊपर उनकी जीत दिखती नजर नहीं आई। शुरू के दौरान ही इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने इनके खिलाफ वोटिंग की है, तो वो जाएंगे बीच में क्या करेंगे बैठ के। हार का श्रेय आप किसको मानते हैं, बीजेपी सरकार या कैंडिडेट से जो लोगों के पर्सनली विरोध था उसको आप देखते हैं? देखिए, बीजेपी का विरोध था और बीजेपी ने चाहे किसी को भी टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी लोगों ने बीजेपी का विरोध किया, कैंडिडेट नहीं देखे, बीजेपी का विरोध किया लोगों ने। अभी रुझान आने बाकी हैं, क्या लगता है कि जो पीएम मोदी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि वो तीसरी बार भी पीएम बनेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो अभी तो नतीजों के रुझान आने बाकी हैं। देखो, बहुत सी सीटें ऐसी है जिनके ऊपर मार्जिन जो है वो बहुत कम है, कहीं पर 2,000, कहीं पर 4,000, ऐसे मार्जिन वाली सीटों का भी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। हो सकता है शाम तक होते होते जो है ये बीजेपी जो है बहुत पीछे रह जाए बहुमत से, और इनके जो सहयोगी दल है वो इनका भागने भी शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शाम होते होते। ईवीएम को आप किस नजरिए से देखते हैं? ईवीएम का तो ऐसा कुछ नहीं है ना, लोगों ने वोटिंग की है और उसके हिसाब से नतीजे आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।